नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSC नोट्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अव्यय से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत दिन हो गए थे टॉपिक को कवर किए, और मैंने कई वीडियोस लगभग सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हिंदी ग्रामर के। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, चाहे रस हो, अलंकार हो, छंद हो, तद्भव तत्सम हो, कोई भी टॉपिक हो, आप हमारे प्लेलिस्ट को जाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी की पूरी सारी वीडियोज़ आपको एक लाइन से मिल जाएगी, बहुत ही आसान और ट्रिकी तरीके से बताई हुई चीज़ें हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम आपके लिए कर दे रहे हैं। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं हिंदी में, कुछ सभी सब्जेक्ट को मिक्स करके या दो दो सब्जेक्ट को मिक्स करके प्रैक्टिस वैक्टिस कराने वाले हैं डायरेक्टली बोर्ड पर। तो जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, हम समझेंगे आप लोग उतना ज़्यादा उस वीडियोज़ को चाहते हैं, ठीक है। तो अव्यय पे आते हैं हम लोग। तो अव्यय में क्या है, सबसे पहले अगर हमको अव्यय समझना है तो देखिए, कोई भी चीज़ दो तरीके समझे जा सकते हैं। या तो हम इसको पूरा पारिभाषिक तरीके से समझ लें, या तो एक कहानी के तरीके से, या तो हम कुछ कहानियाँ डिस्कस करें, उस आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सपोज़ करिए, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे किस व्यक्ति को मानेंगे जो अपने सिद्धांतों से, ठीक है, जो कभी अपने सिद्धांतों से हटे ना, मतलब कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी अपने सिद्धांत से हटे ना, जो आपकी स्थिति में अधिकतर लोग अपने पिता का नाम लेंगे, ठीक है। तो जो मानते हैं सब लोग कि उनके पिता जो हैं वो अपने सिद्धांत से कभी नहीं हटते हैं, मतलब चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ऐसा लोगों का मानना होता है। तो अव्यय के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अव्यय का क्या है, अव्यय का सीधा सीधा मतलब होता है लिंग, स्थान, वचन आदि के चाहे जितना प्रभाव पड़ जाए, कोई परिवर्तन नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सिंपल अव्यय की परिभाषा। अगर जो लोग ये ना समझ पाएँ कि अव्यय क्या होता है, वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता ना करें, ठीक है। चलिए, तो ये मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये कोई हैं पुरुष हैं, महापुरुष हैं। अब इनके चार पुत्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं चार पुत्र, उनका नाम क्या है, तो एक है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये चार पुत्र हुए। अब इन चारों पुत्रों में से एक पुत्र का परिचय मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ा दिया था, बहुत ही विशेष मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। और उस पर मैंने इनको बताया भी था, क्रिया विशेषण के विषय में मैंने बड़े अच्छे से डिटेल से बताया है। अगर नहीं देखा है आपने तो उसी प्लेलिस्ट में आपको क्रिया विशेषण का भी वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ भी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत हम लोग क्रिया विशेषण से ही करते हैं, ठीक। देखिए, क्रिया विशेषण का मतलब ही यहाँ से समझ में आ रहा है, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण का मतलब क्या हो गया, क्रिया जो क्रिया की विशेषता, विशेषण मतलब क्या होता है, विशेषता बताने वाला, किसकी, क्रिया की, जो क्रिया की विशेषता बता दिया वो हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अभी क्रिया विशेषण हमारे कितने भाग के हो गए, क्रिया विशेषण के हम चार भाग कर लेते हैं। चार भाग में हम लोग मानते हैं क्रिया विशेषण के हमारे कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। अब देखिए कौन कौन से, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। चलिए यहाँ भी कहानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग यहाँ भी कहानी का आनंद उठाइएगा, मतलब मज़ा आ रहा होगा ना, कि मतलब कहानी के साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर थोड़ी दुख भरी कहानी है, अगर सपोज़ कीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप क्या पूछेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कहाँ हुआ है ना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप सबसे पहले क्या पूछेंगे, कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, मतलब आपका स्थानवाचक। फिर पूछेंगे आप लोग कैसे हुआ है, ट्रक से हुआ है, बाइक से हुआ है, कार से हुआ है, तो वो आप पूछोगे कैसे हुआ है, तरीका, तो आपका होता है रीतिवाचक। उसके बाद आपके मन में आएगा कब हुआ है, मतलब सुबह हुआ है, शाम को हुआ है, दोपहर को हुआ है, कल हुआ है, आज हुआ है, परसों हुआ है, तो आपका वो कालवाचक आ गया, ठीक है। क्या हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कालवाचक। उसके बाद चलो ठीक है, या सारी जानकारियाँ मिल गई आपको, तो आप लोग ये पूछते हो कि कितना चोट लगी है, या कितना लगा है, या कितना नहीं लगा है, इस तरीके की जो भावनाएँ आती है वे आपको परिमाणवाचक। तो आपको ये तरीका याद हो जाएगा, ये ट्रिक आपको याद रखिएगा कि अगर आपको याद रखना हो कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और सबका मतलब क्या है, परिभाषा का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको तरीका बस पता चलना चाहिए,
तो आप ऐसे याद रखिएगा, क्रिया विशेषण मतलब जैसे किसी का कुछ हो गया हो, किसी की एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से कुछ भी हुआ, कोई भी एक कांड हुआ हो, ठीक है, उस आधार पर। चलिए, तो ये हो गया क्रिया विशेषण का परिचय। स्थानवाचक का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ वहाँ, ठीक है, दाएं बाएं, ये सब आपका स्थानवाचक हो गया। रीतिवाचक का मतलब तरीका, ठीक है, तरीका मतलब कैसा, तरीका मतलब जैसे कि कोई तेज़ी से जा रहा है, कैसा, ये आपका तरीका हो गया, ठीक है, तेज़ी से धीरे से। कालवाचक का मतलब हो गया समय, जैसे सुबह शाम दोपहर, इस तरीके का जो है आपका कालवाचक हो गया। और परिमाण मतलब हो गया कि जो उसका नापतोल हो गया, कितना हो गया, है ना, ये सब, 2 किलो या थोड़ा बहुत कुछ, ये सब आपका परिमाणवाचक हो गया। बाकी क्रिया विशेषण के आपके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसका हमारा वीडियो देख सकते हैं, क्रिया विशेषण वाला, आपको लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक से हमारा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है, देखिए अंग्रेजी में हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन में देखिए 2 शब्द जुड़े होते हैं, जंक्शन, ठीक है, जंक्शन। जंक्शन में क्या होता है, जंक्शन मतलब होता है जैसे आप लोग देखिए रेलवे का जो जंक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो 2 गाड़ियाँ होती हैं आपस में जहाँ पर मिलती हैं उनको, या कई गाड़ियाँ आके मिलती हैं वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। तो जंक्शन मतलब क्या हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा वाक्य जिस कारण से मिलते हैं, जिस जगह पर मिलते हैं, उसको हम लोग जंक्शन कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, या समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे राम खाना खा रहा था और राम जा रहा था, राम खाना खा रहा था फुल स्टॉप, फिर राम जा रहा था, अगर इसको आपको एक वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे, राम खाना खा रहा था और जा रहा था, मतलब खाते हुए जा रहा था, इस तरीके का कोई भी एक सेंटेंस मान लीजिए। तो यहाँ पे जो और लग गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका समुच्चय हो गया। क्लियर है समुच्चय क्या होता है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। समुच्चय का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आपका 2 सेंटेंसेस को, 2 वाक्यों को या 2 से अधिक वाक्यों को क्या करेगा, जोड़ेगा। अब समुच्चय आपका कितने प्रकार का, 2 प्रकार का हो गया, एक समान अधिकरण होता है और एक होता है व्याधिकरण, ठीक है, व्याध अधिकरण, समान अधिकरण। समान अधिकरण का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे समानता दिखाई जाए, समानता दिखाने इन जैसे कि राम एक जगह दूसरी जगह से राम है, दोनों बराबर कर दिया, और लगा के, व लगा के, ठीक है, और तो जो भी तरीका होता है। विकल्प के तौर पर भी प्रयोग होता है, विकल्प के तौर पर जैसे हम लोग बोलते हैं या, ठीक है, या तो सुबह, सुबह या शाम, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, विकल्प हो गया आपका, तो या अथवा, ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, विकल्प के तौर पर हो गया। विरोध में क्या करेंगे, जैसे कोई चीज़ का हम विरोध करते हैं तो विरोध का मतलब होता है, जैसे कहते हैं किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है, जैसे किसी ने कुछ बोला तो बोलते हैं लेकिन, इसमें और कुछ आएगा, किंतु, परंतु, ठीक है, जितनी परिस्थितियाँ आती हैं उस आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं। फिर आता है परिमाण, इसमें भी परिमाण आता है आपका, तो परिमाण का मतलब क्या है कि रिजल्ट क्या आया, है ना, कि रिजल्ट किस तरीके से आया, जैसे कि तुमने उसे क्यों मारा, मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे खाना नहीं दे रहा था, बड़ा अजीब सा है, तो इसलिए हो गया आपका परिमाण, ठीक है, रिजल्ट कि कारण क्या था, उसका रिजल्ट क्या निकला, ये। अब आते हैं व्याधिकरण में, व्याधिकरण में क्या है देखिएगा, तो व्याधिकरण जैसे हमारा है क्योंकि, यदि, फिर भी, इस तरीके के जो शब्द आते हैं ये हमारे किस में आ जाते हैं, व्याधिकरण के अंतर्गत आते हैं, ये भी हमारा समुच्चय बोधक का ही आता है। जैसे कि बस इतना समझिएगा कि जहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि 2 सेंटेंस को बीच में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, 2 अलग अलग सेंटेंस बनाए जा सकते थे, उसको बीच में जोड़ दिया गया है, हमारा कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक। तो अब आपको संबंध बोधक के बारे में बताना है, तो देखिएगा कि संबंध बोधक का मतलब क्या है। अच्छा देखिए, किसी भी चीज़ का संबंध का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ है, कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए ये पेन नहीं है या मार्कर है, इसका मुझे संबंध बताना है, ठीक है, तो संबंध बताना है किसी और के साथ। तो किसी एक वस्तु का जब हम संबंध बताते हैं तो उसके लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग संबंधवाचक कहते हैं, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो ये हो गया संबंधवाचक, जैसे बिल्ली मेज पर है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे बिल्ली कहाँ है, मेज पर है, तो यहाँ पे जैसे पर आ गया, पर आपका क्या है, पर आपका संबंध बोधक हो जाता है, संबंध बताता है, ठीक है, तो इस तरीके से। तो कहने का मतलब बिल्ली का संबंध बता रहा है मेज से, तो यहाँ पर जो पर है बिल्ली का संबंध मेज से बता रहा है, तो ये होता है संबंध बोधक। चलिए, जो संबंध बोधक होता है उसको हम लोग ने कुछ भागों में विभाजित करके देखा है, आपके लिए आसानी होगी पढ़ने के लिए, तो इससे मैंने कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। देखिए,
कालवाचक, तो काल के लिए अगर कहीं पे काल जैसा हो गया कि काल से अगर मुझे संबंध बताना है तो बोलते हैं पहले या बाद में, जैसे कि वह पहले आया या वह बाद में आया, इस तरीके से। स्थानवाचक के लिए क्या होगा, वह ऊपर है, वह नीचे है, वह छत पर है, वह, ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे, ये सब हमारा क्या होगा, स्थान की जगह पर। दिशा की बात करेगा, आमने है, देखिए आमने सामने पीछे या सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, दिशा का मेनली इसमें मतलब हो जाता है कि आपका आमने या सामने और पीछे के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो हमारा दिशा के लिए आ जाता है। संरचना, या बोलते हैं ना फ्रंट ऑफ अपोजिट ऑफ, ये आपका प्रीपोजिशन होता है। संरचना के लिए क्या होता है, संरचना मतलब होता है किस तरीके से उसकी बनावट है या किसके साथ है, इस तरीके का। जैसे बोल देते हैं कि वह रवि के साथ है, ठीक है, या साथ हो गया इस तरीके से, अलावा हो गया, तो ये चीज़ साथ हो गया, अलावा हो गया, ये सब आपका संरचना के आधार पर। विरोध का बात करेंगे, यानी अपोजिट, तो प्रतिकूल का मतलब ये होता है आपका, प्रतिकूल का मतलब जो सूट ना करे, अनुकूल मतलब जो, प्रतिकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल और प्रतिकूल, तो यहाँ पे प्रतिकूल हो गया, विपरीत हो गया, विलोम हो गया, ये सब आपका विरोध वाला हो गया, ठीक। तो ये था आपका संबंध बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है ये समझिएगा, विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि जैसे अरे, जहाँ भी आपको बस, विस्मयादि बोधक तो सबसे आसान होता है पकड़ना, क्योंकि हर सेंटेंस हर वाक्य के अंतिम में ये लगा होता है, ये चिन्ह लगा होता है, हम लोग पहचान जाते हैं कि हमारा विस्मयादि बोधक है। तो जैसे अरे, क्या, वाह, आह, हाय, उफ, छी, सावधान, बाप रे, जी, इस तरीके का जो शब्द होता है लास्ट में विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह लगा होता है, तो वहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो कुल मिला के ये चार प्रकार के आपके अव्यय थे। अव्यय आपको पता है कौन है, उसके चार पुत्र हैं, चारों पुत्रों का आप लोगों ने जानकारी ले लिया, उनकी प्रकृति क्या थी उसके विषय में आपको जानकारी मिल गई। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस आपको और भी मिलेंगे, और भी चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है, हम लोगों ने कुछ नया सोचा है बनाने के लिए अभी, तो प्रयास करते रहना। उसके लिए करना कि आपको लाइक का बटन जरूर दबाना है, लाइक दबाते रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक पूरा मेरा हिंदी ग्रामर का वीडियोज़ नहीं देखा है, बहुत ही आसानी से कहूँगा आप लोग क्या करिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक। कमेंट करिए, जो टॉपिक आपको नहीं आता है उस टॉपिक पर कमेंट करिएगा, या वीडियो जिस पर अवेलेबल नहीं है उस टॉपिक को कमेंट करिएगा, हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे आपको वो टॉपिक बताने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए। और एक और ज़रूरी बात कि अगर आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करना है MSSSC Notes, और यही आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, केवल सर्च करना है MSSC Notes। बस, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।